चुनाव को अब महज कुछ दिन ही बचे हैं। सभी पार्टियां चुनाव में आखिरी दमखम कोशिश में लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता भी कमाल संभालने मैदान पर उतर चुके हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने चुनावी मोर्चा को संभालते हुए अपने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार किया। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सारंगढ़ में जो जिला निर्माण किए हैं उसमें बिलाईगढ़ में कई ऑफिसों को कर दिए हैं और कई क्षेत्रों में इसका विरोध भी हो रहा है, तो सर्वसम्मति से करना चाहिए। मैं यही बात कहूँगा, जिला निर्माण अच्छा काम है लेकिन सर्वसम्मति से करना चाहिए, ये मैं बात बोलूँगा। इसके अलावा आज के चुनाव जो नगरपालिका का चुनाव का दृष्टिकोण है उसमें मैं यही रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में शहरी विकास के लिए तमाम तरह के काम की। जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार में आई थी तब कांग्रेस के समय शहर विकास का बजट 300 करोड़ था, उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ाते 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी गई तब 4000 करोड़ रुपए तक का बजट तक पहुंचा कर गई। लेकिन पिछले 3 सालों में पूरा प्रदेश देख रहा है कि विकास शून्यता की स्थिति है, पूरी तरह से विकास शून्यता की स्थिति है। और इन्होंने जितने भी वादे किए हैं सब में वादा खिलाफी किया है। प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करेंगे बोले थे, प्रॉपर्टी टैक्स को आधा नहीं किए। बुजुर्गों को 1000 रुपये 1500 रुपये पेंशन देंगे बोले थे, वो पेंशन नहीं दिया गया। शराबबंदी करेंगे बोले थे, शराबबंदी नहीं किया गया। युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, नहीं दिया गया। जो पट्टा भारतीय जनता पार्टी के समय फ्री में बट रहा था आज उसके लिए 152% का नोटिस भी ये लोग काट रहे हैं। और यहीं पर कमला नगर में वार्ड नंबर 11 में हमें कई लोगों को नोटिस देकर उनको हटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फ्री में पट्टा दे रही थी, उस काम को भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये लोग केवल और केवल झूठ बोलने का काम किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सारंगढ़ में ही अनेकों काम किए। जैसे कॉलेज में पहले ग्रेजुएशन तक ही था, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचाया। 1.5 करोड़ रुपये का सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, गौरव पथ का निर्माण हुआ, इस तरह के सैकड़ों काम। जलावर्धन योजना के तहत साराडीह बैराज से यहाँ पे पानी लाया गया। गुरु बाबा घासीदास जी के नाम पे जो पुष्प वाटिका है उसका सौंदर्यीकरण किया गया, सामुदायिक भवन बनाए गए, तमाम तरह के सैकड़ों विकास के काम किए गए। लेकिन आप देखिए ये लोग हर जगह उल्टा काम ही कर रहे हैं। और दूसरा विषय मैं और महत्वपूर्ण रखना चाहूँगा कि विष्णु जी का जो महायज्ञ यहाँ पर होता था उसको भी इन्होंने बंद करा दिया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और मैं यही कहूंगा कि ये पूरे प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कवर्धा में किस तरह से भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जगह जगह प्लेन मैदानी छत्तीसगढ़ में भी किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा है। जो सुकमा जैसा जिले में एसपी को टीआई लोगों को आधिकारिक पत्र लिखना पड़ता है कि धर्मांतरण को बंद करें, इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, ये इसके लिए एसपी को पत्र लिखना पड़ता है। इस तरह की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने निर्मित कर दी है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों में हम जनता के बीच जा रहे हैं। आरोप पत्र हमने प्रदेश स्तर पर जारी किया है, इसका प्रति भी आपको मैं दूंगा। तो इसमें किस किस तरह से लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया, अन्याय किया है, इसका हमने पूरा उल्लेख किया है। और सारंगगढ़ में भी हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इनको निश्चित रूप से जवाब देगी। अगर सारंगढ़ में आपकी सरकार बनती है, नगर सरकार अगर बीजेपी की बनती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? निश्चित रूप से सारंगढ़ में हम तो जैसे कि बोले कि भाई सबसे पहला जो हमारा बिंदु है कि यहाँ पे एक सांस्कृतिक रूप से विष्णु महायज्ञ जो चला आ रहा था उसको भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार आने के बाद सारंगढ़ में बंद कर दिया गया है। उसको हम चालू कराने के लिए पहल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार बनेगी हम उसको तत्काल चालू भी कराएंगे, हम ये पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं। गौरव पथ का हम विस्तार करेंगे, आउटडोर स्टेडियम का हाता निर्माण करेंगे, जहाँ जहाँ पर मूलभूत विकास की ज़रूरत है, 24 गाँव को जो नगर पालिका में जोड़ा गया है उनमें सब में हम सारे विकास कार्यों को पूरा करेंगे। इन सब के अलावा हम युवाओं की दृष्टि से, उनके करियर और भविष्य निर्माण की दृष्टि से करियर काउंसलिंग का एक कल्चर डेवलप करने का यहाँ पे नगर पालिका की ओर से विशेष पहल आगे आने वाले समय में करने जा रहे हैं, जिससे युवाओं को उनके भविष्य के लिए दिशा मिल सके। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को पीएससी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, बैंक पीओ में जाना है, रेलवे में जाना है, प्रोफेसर बनना है, इन सब की दृष्टि से उनको गाइडेंस के लिए करियर काउंसलिंग के हम यहाँ पर सेशन आयोजित करवाएंगे। बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर गए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की
भाई अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ स्थानीय सरकार थी और बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। और कांग्रेस निश्चित रूप से जिला के मुद्दे को लेकर के जाएगी, उसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं है। कांग्रेस इस प्रदेश में 60 साल लगभग इनकी सरकार रही है। जब 60 साल इनकी सरकार थी तो हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, स्वीपर हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, इनको पेमेंट देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे ही 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी थी, तब से लेकर के लगातार इस प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं। और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विकास कार्य कराने में कहीं कोई परेशानी जो है अमित भाई के माध्यम से नहीं हुआ है। और आगे भी उनके मार्गदर्शन में भी हमारी यहाँ स्थानीय सरकार बनेगी, क्योंकि अब एससी वर्ग का इसमें सीट आया है तो सब मिलजुल करके सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है केवल उनके पास एक ही विषय है, जिला वाला मैटर, तो केवल जिला की अभी बना नहीं है, जिला का घोषणा किए हैं केवल। लेकिन जैसे ही आप सारंगढ़ से बाहर जाएंगे, चाहे इधर रायगढ़ चले जाइए, चाहे आप चंद्रपुर चले जाइए, चाहे बिलासपुर चले जाइए, रायपुर चले जाइए, पूरा सड़कों की हालत बद से बदतर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की खजाना खाली हो गई है। आज छत्तीसगढ़ की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। तो केवल एक ही मुद्दा है इनका, हम जिला बनवा रहे हैं करके, बाकी और कोई विषय नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की कितनी सीट आने की संभावना है और बीजेपी कितने सीट से यहाँ पर चुनाव जीत रही है? कांग्रेस जो है इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन है लगभग 9-10 सीट हमारी आएगी। जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सारंगढ़? हमारी देखिए, काम तो यह बहुत सारे हुए हैं, जो छोटे छोटे कार्य हैं, विकास के कार्य जो काम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ का अधिकांश गली घुमा हूँ, बहुत सारे वार्डों में 100 से ऊपर की संख्या में हमारे पार्षद लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करा दिए हैं। तो जो बेसिक यहाँ का प्रॉब्लम है, चाहे सड़क का मामला हो, तो हर कार्य यहाँ पर हुए हैं, तो जो बचे हुए काम हैं हमारे पार्षद लोग करेंगे।